नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। कोरोना के खिलाफ जीतेंगे हम ये लड़ाई, टीका लगाने में ही है सबकी भलाई। 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति टीकाकरण के लिए पंजीकरण करवाएं। पंजीकरण के लिए www.covin.gov.in अथवा selfregistration.covin.gov.in पर लॉगिन कर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। मोबाइल पर प्राप्त OTP नंबर दर्ज करें और सत्यापित करें। फार्म के अनुसार विवरण भरें और स्वयं को पंजीकृत करें। टीकाकरण के उपरांत भी 3 बहुमूल्य नियम अवश्य अपनाएं। हमेशा मास्क पहने, अपने हाथ साबुन और पानी से नियमित तौर पर अच्छी तरह धोएं, दूसरों से उचित दूरी बनाकर रखें। अब पेश हैं आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी जिला के भंगरोटू में नवनिर्मित मेकशिफ्ट कोविड अस्पताल का लोकार्पण किया। उन्होंने अस्पताल के सभी खंडों का अवलोकन किया और स्वास्थ्य सेवाओं एवं सुविधाओं का जायजा लिया। इस मेकशिफ्ट कोविड अस्पताल का निर्माण 2300 वर्ग मीटर क्षेत्र में 7 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इस अस्पताल में 104 ऑक्सीजन युक्त बिस्तर, 18 बेड की ICU सुविधा और 10 बिस्तरों के लेबर कम रिकवरी रूम सहित ऑपरेशन थिएटर की सुविधा उपलब्ध है। ऑपरेशन थिएटर में हार्ट अटैक जैसे मामलों में हृदय गति को सामान्य लाने के लिए अत्याधुनिक डिफिब्रिलेटर मशीन लगाई गई है। यहां एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन भी स्थापित किया गया है। अस्पताल में मैनिफोल्ड ऑक्सीजन प्लांट से हर बेड के लिए ऑक्सीजन आपूर्ति की सुविधा प्रदान की गई है। इस अवसर पर मीडिया से अनौपचारिक बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से सुसज्जित ये अस्पताल कोविड महामारी से निपटने में सहायक सिद्ध होगा। इस महामारी के समाप्त होने के बाद भी ये अस्पताल सुपर स्पेशलिटी सुविधा के तौर पर उपयोग में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने कोरोना संकट से दृढ़ता के साथ निपटने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र के विस्तार के साथ साथ इसे सुदृढ़ करने तथा क्षमता निर्माण में बेहतरीन काम किया है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार के बेहतर प्रबंधन के परिणाम स्वरूप ही कोरोना मामलों में वृद्धि होने की परिस्थिति में भी मरीजों के लिए ऑक्सीजन बेड और ऑक्सीजन आपूर्ति की कमी नहीं आई। मुख्यमंत्री ने कहा, डेडिकेटेड आज नेरचौक में मेडिकल कॉलेज के साथ में दूसरी एक सुविधा कोविड के लिए जो फिलहाल इस्तेमाल की जाएगी, जो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट के अंतर्गत जो ये नया हॉस्पिटल हमने यहाँ पर जो प्रीफैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर के साथ जो बनाया है उसकी विधिवत हम शुरुआत कर रहे हैं। उसका उद्घाटन करने पर मैं सभी को बधाई भी देता हूँ। लगभग 7 करोड़ की लागत से ये हॉस्पिटल बनकर के तैयार यहाँ पर किया गया है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि हिमाचल प्रदेश में कोविड के इस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा सकें, बेड कैपेसिटी को बढ़ा सकें और बेड कैपेसिटी ही नहीं, बेड कैपेसिटी के साथ ऑक्सीजनेटेड बेड उपलब्ध करा सकें। और ये एक हॉस्पिटल ऐसा होगा जो कोविड के पेशेंट को तो जब तक कोविड रहेगा तब तक के लिए तो ये बेहतर सुविधाएं देगा ही, लेकिन कोविड अगर समाप्त होता है तो उसके बाद भी सुपर स्पेशलिटी के रूप में हम इसका इस्तेमाल जो है इसका करने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत बेहतरीन सुविधाएं इसके अंदर उपलब्ध करवाने की हमने कोशिश की है। मुझे इस बात को लेकर के संतोष है कि जो इस पीरियड में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए, चाहे वो बेड कैपेसिटी की बात है, चाहे वो ऑक्सीजन की बात है, चाहे वो और सुविधाओं की बात है, उसमें हिमाचल प्रदेश ने बहुत बेहतर ढंग से काम किया है। इस बात को मैं कह सकता हूँ कि पूरे उत्तर भारत में हिमाचल एक ऐसा प्रदेश है जब कोविड का कोई पेशेंट अगर हॉस्पिटल आया तो हॉस्पिटल में उसको बेड मिला है, बेड यहाँ पर उपलब्ध करवाए गए और बेड के साथ जिस पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत थी ऑक्सीजन यहाँ पर उपलब्ध कराई। और हमने अभी इस दौरान जो है 8 PSA प्लांट हिमाचल प्रदेश में लगाए और लगभग 12 जो है हमारे और जो है पाइपलाइन में। हमारी ऑक्सीजन की स्टोरेज कैपेसिटी 25 मीट्रिक टन से ज़्यादा हो गई और केंद्र का मैं खासतौर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने पहले हमको हिमाचल प्रदेश के लिए 15 मीट्रिक टन का ऑक्सीजन का कोटा अलॉट किया था। बाद में हमने कहा इसको बढ़ाने की आवश्यकता है, 30 किया गया, 30 मीट्रिक टन से फिर हमने कहा और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है और 40 मीट्रिक टन किया गया। 40 मीट्रिक टन हम हिमाचल प्रदेश में आज की तारीख में ऑक्सीजन ले रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी जिला में कोरोना की स्थिति और रोकथाम को लेकर किए प्रबंधों का जायजा लेने के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नेरचौक मंडी के सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता की।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के दृष्टिगत पूर्व तैयारी और क्षमता में वृद्धि करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए सटीक रणनीति एवं पूर्व तैयारी बहुत जरूरी है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों को अधिक प्रभावित कर सकती है। इसे देखते हुए प्रदेश के बच्चों की स्वास्थ्य जरूरतों के अनुरूप सभी प्रबंध किए जा रहे हैं। पूर्व तैयारी के तौर पर आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण और अन्य सुविधाओं का प्रबंध किया जा रहा है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में 45 से अधिक आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। 15 जून के बाद प्रदेश में 18 प्लस समूह के लिए फिर से वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी और टीकाकरण का कार्य तेज गति से चलता रहेगा। उन्होंने जिला में कोविड-19 से निपटने की तैयारियों को और पुख्ता करने तथा उपमंडलों में नागरिक अस्पतालों को कोविड प्रबंधन के लिए तैयार करने की दृष्टि से योजना बनाने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा, पिछली वेव का जो जिक्र हो रहा है, हमने उसकी प्रेपरेशन के लिए भी कह दिया है गियर अप, कहां-कहां हम उस तरह से, कहा जा रहा है कि जो थर्ड वेव होगी ये बच्चों को ज्यादा प्रभावित करेगी, और बच्चों को प्रभावित करेगी तो स्वाभाविक रूप से हमारी तैयारी उस तरह से होनी पड़ेगी उसके, क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर्स उस तरह के हैं बच्चों के हेल्थ के जो होते हैं, जो टेक्निकली जो है वो अलग तरह से उनको हैंडल करने पर उसको हैंडल करना पड़ेगा, और उस तरह से जो भी हमको इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है, इक्विपमेंट के साथ साथ में और चीज़ों को हमको तैयार करने के लिए उस तरह से करना पड़ेगा, उन बातों को लेकर के डिटेल चर्चा हुई है। अब लेते हैं एक ब्रेक और सुनते हैं ये संदेश। अरे भाई साहब, बिना मास्क लगाए कहाँ जा रहे हो? बाजार जा रहा हूँ सामान लेने, उसके लिए मास्क की क्या जरूरत है? अरे भाई, आपको मालूम नहीं है कोरोना कितना फैला हुआ है? अपना नहीं तो कम से कम अपने परिवार का तो ख्याल रखिए। ये लो, लगा लिया मास्क। ऐसे नहीं, ऐसे मास्क लगाने का कोई फायदा नहीं है। अपने नाक और मुंह को अच्छी तरह से ढको। हाँ बिल्कुल ऐसे। आप जानते हैं ना कि कोरोना की दूसरी लहर कितनी खतरनाक है, तो ऐसे में आपका मास्क और भी सुरक्षित होना चाहिए। हाँ। सही मास्क पहने और घर पर भी मास्क का इस्तेमाल करें। इसके अतिरिक्त अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और दूसरों से उचित दूरी बनाकर रखें। खुद भी सुरक्षित रहें और अपने परिवार और समाज को सुरक्षित रखने में अपना योगदान दें, ये हम सब की जिम्मेवारी है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 2,358 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 795 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 1,489 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 19,53,189 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 17,59,193 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 1,92,373 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 1,78,699 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 10,451 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।